नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रीधर अग्रवाल आज आपसे कुछ चीज़ें साझा करने जा रहा हूं और बात करने जा रहा हूं इस महामारी के बारे में। आज हम जब इन्फेक्ट हो रहे हैं इस वायरस से तो हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है एलोपैथी का। एलोपैथिक डॉक्टर आपको पहले ही दिन कुछ एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स मतलब पैरासीटामोल वगैरह देगा। उन दवाइयों को आप गूगल करके देखें, एक एक करके गूगल करके देखें क्या उनका इफेक्ट इस वायरस को नेग्लिजिएट करने के लिए या इनको ख़त्म करने के लिए है क्या, तो आपको सच अपने आप सामने आ जाएगा। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बीच में अराइज हो रही है, लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पे देख देख के अपने आप सेल्फ मेडिकेशन करके स्टीरॉयड्स ले रहे हैं। अब स्टीरॉयड्स और एंटीबायोटिक का इफेक्ट कहाँ जा रहा है, आपके लीवर पर जा रहा है। जब आपका लीवर खराब होना शुरू होता है तो उससे आपका बुखार कंटिन्यूस रहता है और वायरस अगली वाली स्टेज पे जाके आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम पहले समझें कि क्या बीमारी है और उस हिसाब से इलाज करें, बल्कि उसके विपरीत अगर बात करें आयुर्वेद विज्ञान जो कि 5000 साल पुरानी साइंस है, उसमें बिल्कुल विपरीत ट्रीटमेंट हम देते हैं, जैसे कि हम आपकी इम्यूनिटी को और बेहतर करते हैं, लंग्स को साफ करते हैं, रेशा बनने नहीं देते, आपका बुखार लगभग 3 से 5 दिन में उतर जाएगा। साथ ही मैं कुछ डाइट भी एडवाइस करता हूं जो डाइट खाने से 3 से 5 दिन के अंदर बुखार उतर जाता है। सेकेंडली चीज इसके लिए आती है, आपको कोई क्रोसिन नहीं खानी, कोई एंटीबायोटिक नहीं खानी, उसके बिना ही आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सारी बीमारियों से गुजर रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाई बीपी, किडनी फेलियर, कैंसर। हमारे बहुत सारे किडनी फेलियर के कुछ ऐसे मरीज हैं जिनका क्रिएटिनिन 3 से 5 था 7 था, उनको सिम्टम्स 3 से 5 दिन के अंदर खत्म हो गए, कोई भी एक पेशेंट अग्रेसिव नेचर में नहीं गया। तो इसका मतलब क्या है, आयुर्वेदिक मेडिसिन आपकी इम्यूनिटी इतनी रेज कर देती है कि जिनको पुरानी पहले बीमारियां हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, डायबिटीज के रोगियों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैं कहूंगा दोस्तों, आप खुद समझदार हैं, आप खुद डिसीजन ले सकते हैं ये समझ के कि हमें कौन सा ट्रीटमेंट कराना चाहिए, आयुर्वेदिक के एलोपैथिक। और इसी के साथ कुछ और आपके साथ कुछ चीज़ें साझा करूंगा अगली नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।